ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन रो बालेश्वर जिला कार्यालय गुरुवार अपराह्न रे गोड़ापल निकट रे उद्घाटित हो जाइछि। कार्यालय को एसोसिएशन रो राष्ट्रीय साधारण संपादक सैयद रुहुल अमीन उद्घाटन करिछंती। एही कार्यक्रम रे रेवती पत्रिका रो संपादिका सुभाषिनी जेना, स्थानीय काउंसिलर रंजिता महापात्र, युवनेता विक्रम पंडा, 26 नंबर वार्ड काउंसिलर शेख आयुब, युव बिजेडी रो सदर सभापति शेख अंसार चिंटू, विजु छात्र जनता दल रो जिला सभापति सीमन दास महापात्र, जिला कांग्रेस रो सभापति संजीव गिरी, हेल्पिंग सोसाइटी रो सभापति हृतिक नायक, वरिष्ठ नेता गौरांग पाणिग्राही, फयाज अहमद, संगठन रो जिला सभापति हाफिज शेख साबिर अली समेत अन्य कर्मकर्ता माने उपस्थित रही थे। कार्यक्रम में सैयद रुहुल अमीन कही कि एसोसिएशन एक अण राजनैतिक संगठन अटे, गरीब लोकों सहायता प्रदान और रक्तदान शिविर अधिक गुरुत्व दे आसुची। अन्यतम अतिथि तथा बालेश्वर म्युनिसिपालिटी चेयरमैन कही कि संख्यालघु संप्रदायर सामग्रिक विकास राज्यर मुख्यमंत्री सबुबले योजना प्रणयन करुँच योजनागुड़िक तृणमूल स्तर में किभरी सफलतार सह कार्यकारी हेब से नहीं लोके सचेतन होगा आवश्यक। एहि अवसर रे स्थानीय आईटीआई परिसर रे एक रक्तदान शिविर आयोजित होइथिला। मोट 50 रु ऊर्ध यूनिट रक्त संग्रहित होइथिला। एहि अवसर रे एक सभार आयोजन करा जायथिबा बडे एथिरे अध्यक्षता करथिले आजिम बालेश्वरी। अतीत रे एसोसिएशन पक्षरु बालेश्वर शहर रो विभिन्न वार्ड रे गरीब और असहाय लोकंकु कंबल, खाद्य, पवित्र रमजान अवसर रे उपहार बंटन और बन्या समय रे बन्या प्रपीड़ितंकु शुखिला खाद्य बंटन कर जायथिला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात, आज बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम हुआ। लड़के लोगों ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया। ब्लड डोनेशन की कैंप और आईमा की जो ऑफिस है वो आज इनॉग्रेशन हुआ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जितने सारे लड़के हैं इस तरह से आईमा के सोच पूरा बालेश्वर में पहुँचा दें, ताकि आगे चल के जो भाईचारा के जो मैसेज गया खास तौर से उड़ीसा में, ये हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए था। जब देश को बांटने की तैयारी में है कुछ लोग, वहाँ पे इस तरह से यहाँ के काउंसिलर, यहाँ के चेयरमैन और एमपी के मिसेस भी आई थी और बहुत सारे सोशल वर्कर्स थे, तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये जो काम शुरू हुआ ये आगे चलता रहेगा। थैंक यू। दूसरा ब्रांच, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच करके आप ऐसे काम, उम्मीद है यहाँ के लोकल लोग भी जुड़ जाएँ तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम और भी ज़्यादा पैमाने में काम करेंगे। हमारा टारगेट है 2-3 साल के अंदर पूरा बालेश्वर में एक लार्ज माइनॉरिटीज और मेजोरिटी के लोग इसमें जुड़ जाएंगे। ओडिशा के कौन कौन से जिले में इसका अभी तो बालेश्वर में है, इंशाल्लाह फिर करेंगे। मेरा नाम शेख सब्बीर अली, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन आईमा संगठन का एक खादिम हूँ मैं, तो सिर्फ सैयद रुहुल अमीन भाईजान के कहने में काम करते हैं। तो ये जो बालेश्वर में आज एक यूनिट का ऑफिस, बालेश्वर यूनिट आईमा ऑफिस उद्घाटन हुआ, कितना खुशी हुआ, क्या जो मेहमान सब आए थे सैयद रुहुल अमीन, क्या बोलना चाहते हैं आप? सच्ची बात, मैंने इतना खुशी है कि हम लोग के दिल में देख के प्रोग्राम में जैसे सब लोग जैसे साथ दिया हम लोग के साथ, चेयरमैन, वार्ड काउंसिलर, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का जो भाईजान बंगाल से रोजा रख के भी इतना तकलीफ में ही आके पहुँचे, और यहाँ का जो मेंबर, सारा मेंबर जो बहुत साथ दिया हम लोगों के साथ, दिन रात खाट मेहनत करके मिस्टर रुहुल साहब जो बोले जो हम लोग जाए आप गिविंग, ये जो आनंद है देने में, जो आनंद है सेवा हो जो भी चीज़ हो देने में, जो आनंद है ये आनंद किसी से नहीं मिलता है। मिलता है क्या देने में? जो आनंद है किसी को खाने के लिए दो, किसी को दो, आज हम लोग इधर खून देते हैं, किसी को खून दो, किसी को कुछ देने में जो जितना आनंद मिलता है, इंशाल्लाह जितना प्यार करते हैं हम लोग को कुछ देने से, अल्लाह ताला इतना प्यार करते हैं हम लोग को, हमारा झोला भर देते हैं। इसीलिए सब लोग हम लोग किसी को जैसे कि भाई लोग इधर बहन लोग बैठे हैं, हम लोग को प्यार देते हैं, ये भी बहुत बड़ा बात है। हम लोग किसी को प्यार देने से अल्लाह ताला परवरदिगार हम लोग को प्यार देंगे। इसीलिए सब लोग को मैं प्रार्थना करती हूँ, आइए हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, हम लोग सब हिंदू मुसलमान भाई भाई है, प्यार में रहेंगे, अल्लाह ताला ऐसे करे हम लोग को इतना आशीर्वाद दे, हम लोग ऐसे मिलजुल कर रहेंगे, समाज का कुछ करेंगे, समाज बसी का कुछ करेंगे, लोग को कुछ प्यार देंगे, लोग को
कुछ सेवा देंगे। फिर आप लोग का तह दिल से सबका शुक्रिया करती हूँ, सबसे ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का हर मेंबर का, और ज़्यादा धन्यवाद शुक्रिया देती हूँ जो रोहुल साहब इधर बैठे हैं उनको ज़्यादा नया मैं इतना बोलूँगी शुक्रिया दूंगी क्योंकि वो मिदनापुर से आए और हम लोग का साथ में हम लोग को हौसला दिए हैं, हम लोग को इतना प्रेरणा दिए हैं, इसलिए उनको भी तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। और आजिम बालेश्वरी का समेत इधर जितना काउंसिलर भाई बहन बैठे हैं और हमारा सीमन बाबू जो स्टूडेंट लीडर है इधर बैठे हैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया देती हूँ। और जितना सब बच्चे लोग भाई लोग बहन लोग इधर सब है सब लोग को तहे दिल से शुक्रिया देती हूँ, धन्यवाद। गोटे सेवा जगैवा एवं आज ये गोटे जिन एकता एकता रही बालेश्वर जो अरण बजार प्रथम थर पर सब देखे समस्त भितर गोटे एकता रही जो भी गोटे गुरुजन हूँ पिला हूँ एवं माँ हूँ समस्त भितर गोटे एकता रही जो कि वार्ड में जहाँ भी कार्यक्रम हुए सब सफल हुए तेनाली सुंदर ब्लड डोनेशन कैंप गई समस्ते यही ब्लड डोनेशन कैंप समस्त उपस्थित रही केमी कार्यक्रम को सफल कराइबे एटिके मते मु समस्त अनुरोध करछि आ निजे को मते धन्य मने करछि मु आज अरुण बाजार आमर हिंदू मुस्लिम सी समस्त जो मने बेछु समस्त मते गोटे एकता रु भाईचारा रही छि जो आज जो देश का हालात है आप सबको पता है बहुत नाजुक है। नाजुक इसलिए है कि जो धर्म के नाम पे इसको जो बांटने का जो प्रयास हो रहा है एक गवर्नमेंट मशीनरी हो कोई राजनीतिक पार्टी हो ये बहुत बड़ा दुख की बात है। जो बोल रहे थे अमीन सर कि हमने जो इंडिपेंडेंस का लड़ाई लड़े थे हम लोग वहाँ हिंदू भी थे वहाँ मुस्लिम भी थे वहाँ सिख भी थे वहाँ ईसाई भी थे लेकिन वो जो इंडिपेंडेंस का जो फायदा हमको मिला आज 70-75 साल के बाद इसको जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है जो कोशिश किया जा रहा है इसके इसी टाइम में अमीन साहब ने जो कार्यक्रम इधर किया है ये बहुत बड़ा जवाब है। जो लोग ये बांटने का जो काम करते हैं ये आज जोड़ने का काम करने के लिए आ रहे हैं। वो जोड़ने का जो मीडियम है वो ब्लड कैंप है। ब्लड हमारा ब्लड भी लाल है आपका ब्लड भी लाल है हिंदू का ब्लड भी लाल है सिख का ब्लड भी लाल है मुस्लिम का ब्लड भी लाल है। ये जो बांटने का काम कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि किसी का ब्लड लाल के सुबह कुछ भी नहीं होता। तो आज जो AIM है मैं उनसे मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इतने बड़े आदमी हमारे बीच में आए और एक बालेश्वर जैसा छोटा शहर में इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं हम बालेश्वर के लिए और खुद मेरे लिए भी बहुत बड़ा गर्व का बात कर रहे हैं। ये बड़े स्पष्ट शब्द बोल रहे थे कि इनका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है वेस्ट बंगाल में काम करते हैं। मैं भी अभी गूगल कर रहा था मोबाइल में उनको नाम भी मैं देखा तो उनका क्या क्या काम करते हैं वेस्ट बंगाल में इनका बहुत प्रभाव है वेस्ट बंगाल में। इसलिए प्रभाव है कि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जो वो तो बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं इतना कहने के लिए इनको थैंक यू बोलूँगा हम शुक्रगुजार हैं उनकी कि आपने जो वार्ता देने की कोशिश की है कि नफरत की जो महफिल अभी सजा है सारा देश में जो सजाने की कोशिश आ रहा है उसको उखाड़ फेंकने के लिए आप सही रास्ता चुने और पूरा बालेश्वर आपके साथ है और आगे बढ़ते रहिए हम सब आपके साथ है। थैंक यू।